बी टीम सी टीम या कोई भी टीम बोलने से इसका पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, हमारा बरिस्टर हमारा शान है और असद नाम ही शेर का होता है, इसलिए उनको बी टीम भी कहा जाता है। हम तो बोलेंगे बी टीम नहीं, वो ए टू जेड सी में टीम है। अखिलेश साहब वो बंगाल में आए, हमारे माननीय ममता बनर्जी साहब से मिले, तो वो कौन टीम है? उनको भी कोई नाम से नवाजा जाए, फिर क्या टीम बनेंगे? वो बी टीम तो नहीं हो सकते। बी टीम तो असदुद्दीन अवैसी साहब है, वो कौन टीम है? सी टीम है, डी टीम है, तो उन्हें भी कोई टीम से नवाजा जाए, कोई नाम से नवाजा जाए, तब हम मानेंगे कि कोई टीम का मतलब नामकरण किया जा रहा है। वो बी टीम है, वो सी टीम है। आरएसएस बहुत अच्छे है, तो अगर आरएसएस के लोग बहुत अच्छे है, आरएसएस अच्छे है, तो आप उनके जो है जो मोहन भगवत साहब है उनको भी आप एक टिकट से दे दीजिए। यहाँ तो बहुत से ब्रांच खुलवा चुके हैं आप ममता बनर्जी, उनको भी एक टिकट दीजिए, उनको भी इलेक्शन लड़वाइए। यहाँ पे अखिलेश को भी देखा जा रहा है, अखिलेश जो है अपने तो वहाँ पे यूपी में तो बचा नहीं पाए, अब यहाँ बंगाल के उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, और इसमें जो है बी टीम या सी टीम या कौन टीम का काम करेंगे ये तो ममता बनर्जी साहब जो माननीय हमारे है वही आके मीडिया के तौर पर बताएंगे कि उनको कौन टीम के तहत अपने साथ में आप रखी हुई टीम, सी टीम या कोई भी टीम हो, हम लोग ए से जेड तक का टीम है। जब उनके ऊपर हमला हुआ उस वक्त ये लोग कहाँ थे? बी टीम कहने वाले लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारे एमपीस के ऊपर में हमला हुआ? उस वक्त उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाए? आज अगर किसी राज्य में जाते हैं वो तो उनको कहा जाता है वोट काटने आ गए, ये बी टीम है। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये सदका है, मान लीजिए कि वो अपना जुबान को जिस तरह से चलाते हैं पार्लियामेंट में, उनके हिसाब से तो वो लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका बोलना एक शेर का दहाड़ना और एक मतलब क्या उसको बोलते सर्कस के शेर का दहाड़ना में फ़र्क होता है। पार्लियामेंट में मुसलमान की आवाज़ अकेले वाईसी साहब ही उठाते हैं, फिर भी आप लोगों को ही क्यों बीजेपी का एजेंट कहा जाता है? देखिए, इख्तलाफ़ जो हम लोग का इस्लाम में है, इख्तलाफ़ ज़रूरी है, इसलिए इख्तलाफ़ रहमत है, और ये इख्तलाफ़ के तहत अगर कोई कहता है तो इसका हम लोगों को या हमारे पार्टी से कोई इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बी टीम सी टीम या कोई भी टीम हो, हम लोग ए से जेड तक का टीम है। जब उनके ऊपर हमला हुआ उस वक्त ये लोग कहाँ थे? बी टीम कहने वाले लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारे एमपीस के ऊपर में हमला हुआ? उस वक्त उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाए? आज अगर किसी राज्य में जाते हैं वो तो उनको कहा जाता है वोट काटने आ गए, ये बी टीम है। तो ये बताइए, उस टाइम जब हमला हुआ वो मरते मरते बचे हैं, और हम लोगों ने उस पल को बहुत ही गंभीरता से हम लोगों ने गुजारा है देखते हुए मीडिया में, और उसके बाद दूसरे दिन जब उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई तो वो क्या बोले? वो पार्लियामेंट में हमें ए कैटेगरी का सिटीजन बनाइए, हमें इस तरह से बुलेट प्रूफ कार या जेड प्लस सिक्योरिटी दे के हमें नीचे तबके का मुसलमान नहीं बनना है, और बी टीम से नवाजिए, सी टीम से नवाजिए, या जो भी करिए। हमारे बरिस्टर साहब का ईमान सच्चा है, वो सच्चे है, हमारा ईमान और उनका ईमान, मुसलमान का ईमान जो है वो सच्चा है, और उनका जो पार्लियामेंट्री जो एक्टिविटी रहता है इसके ताल्लुक से उन लोगों को परेशानी होती है। और बी टीम सी टीम या कोई भी टीम बोलने से इसका पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, हमारा बरिस्टर हमारा शान है, और असद नाम ही शेर का होता है, इसलिए उनको बी टीम भी कहा जाता है। हम तो बोलेंगे बी टीम नहीं, वो ए टू जेड सी में टीम है, वो सबके लिए हो। ये तो बताइए, उनके क्या पार्टी को कितने लोगों ने टटोला है अंदर से, ये बताइए कितने लोगों ने टटोला है जो बोल देते हैं बी टीम है? बी टीम का मतलब क्या है उनसे पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता सकते हैं, बस एक निकल गया है अफवाह कि बी टीम बदबल बोल दो। तो ये बी टीम बोलने से किसी का कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप बोले जो भी बोलना है, लेकिन बरिस्टर साहब बी टीम नहीं है, वो ए से जेड तक के टीम है, वो हर कौम के लिए बात करते हैं पार्लियामेंट में। और बी टीम उससे बोला जाता है जो आप अभी देख लीजिए फ़िलहाल के तौर पे, आप ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, इसकी वजह से मेरे जहन में आ रहा है कि अखिलेश साहब वो बंगाल में आए, हमारे माननीय ममता बनर्जी साहब से मिले, तो वो कौन टीम है? उनको भी कोई नाम से नवाजा जाए, फिर क्या टीम बनेंगे? वो बी टीम तो नहीं हो सकते। बी टीम तो असदुद्दीन अवैसी साहब है, वो कौन टीम है? सी टीम है, डी टीम है, तो उन्हें भी कोई टीम से नवाजा जाए, कोई नाम से नवाजा जाए, तब हम मानेंगे कि कोई टीम का मतलब नामकरण किया जा रहा है। वो बी टीम है, वो सी टीम है।
वरना सिर्फ एक पार्टी के सदर को या एक पार्टी को हाथ सामने रखते हुए किसी तरह का नाम को गलत इस्तेमाल ना करें, यही अच्छा होगा। इसलिए कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और किसी का मर्यादा को ठेस ना पहुंचाए, हमारे बैरिस्टर साहब हमारे आन बान शान हैं। आप लोग टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि राम रहीम उनके लिए समान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में राम रहीम समान तो कहना ही पड़ेगा ना, राजनीति है ही है। आप राम को छोड़ दोगे तो रहीम नहीं आएगा, और रहीम को छोड़ दोगे तो राम भी नहीं आएगा। ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है, यहाँ पे राम रहीम हर किसी को लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आपका बोलना और आपका करना, ये इसमें आप देख लेंगे, आवाम देखेंगे, सामने ये पंचायत इलेक्शन है, आवाम देख लेगी कि कितने राम रहीम को लेके आप चल रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। अगर राम रहीम को लेके चल रहे हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे कि वो मुस्लिम विरोधी है? अगर मुस्लिम विरोधी अगर वो नहीं है, तो आप अपना पूरा जो ये 8-9 साल का ये काम जो है, आप उसको छान लीजिए। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग देखिए उनका काम को, क्यों कहा जाता है उनको मुस्लिम विरोधी? इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ से हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, जिस के संगठन से हमें तकलीफ़ है, आप उस संगठन के बारे में मीडिया में आके खुले मन से बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, आरएसएस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आरएसएस के लोग बहुत अच्छे हैं, आरएसएस अच्छे हैं, तो आप उनके जो है, जो मोहन भगवत साहब है, उनको भी आप एक टिकट से दे दीजिए। यहाँ तो बहुत से ब्रांच खुलवा चुके हैं आप, ममता बनर्जी, उनको भी एक टिकट दीजिए, उनको भी इलेक्शन लड़वाइए। क्या करिएगा, जिस तरह से आसनसोल में मुकुल रॉय क्या है वो सब हैं, उन लोगों ने भी तो बहुत ऐसा घातक हमला करवा चुके हैं मुसलमान के ऊपर। एक इमाम के लड़के को मार गिराया गया, उसके बावजूद भी वो बीजेपी में थे, उसके बावजूद भी फिर आप उसको दे दिए टिकट, आप उनको फिर से जिता दिए। तो हम मुसलमान हैं, हम सब्र करते हैं, बस सब्र करेंगे। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। और आप अगर हम लोगों के विरोधी करिएगा तो इसका जवाब मुसलमान नहीं देगा, इसका जवाब आपको राम ही दे देगा। रहीम तो बाद में देगा, पहले राम देगा, इसलिए मेजोरिटी राम में है। रहीम तो उसका मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन राम जो मेजोरिटी में है, इसका जवाब आपको राम ही देगा, रहीम बाद में देगा। रहीम अपना हिसाब से देगा, रहीम अल्लाह पे भरोसा करता है। आपके पार्टी बस मुसलमान मुद्दे पर ही क्यों बात करते हैं? मुसलमान मुद्दे पे बात ना करे तो क्या करे? अभी आप देखिए हिंदुस्तान में जो हालात गुजर रहे हैं, मुसलमान के मुद्दे पे कितने पार्टी है और कितने एमपीज, कितने एमएलए हैं जो मुसलमान के मुद्दे पे पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो बात करते हैं? कितने एमपीज एमएलए हैं जो बात करते हैं? आप खुद ही देखिएगा कि ज़्यादातर अब जाके, अब बहुत खुशी भी होती है, एक एक पार्लियामेंट्री जब सुनता हूँ मैं तो खुशी भी होती है कि अब कुछ कुछ एमपी एमएलए जो है थोड़ी बहुत गुर्राने लगे हैं, बोलने लगे हैं। जैसे कि जुनेद और नासिर के मुद्दे में कुछ एमपी को हमने देखा कि पार्लियामेंट में बोल रहे थे। चलिए, असदुद्दीन अवैसी साहब का ये सदका है, मान लीजिए कि वो अपना जुबान को जिस तरह से चलाते हैं पार्लियामेंट में, उनके हिसाब से तो वो लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका बोलना एक शेर का दहाड़ना और एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, सर्कस के शेर का दहाड़ना में फ़र्क होता है। ठीक है, ये लोग जो है, हम लोग तो बोलेंगे, मुसलमान के मुद्दे पे बोलना पड़ेगा, मुसलमान के मुद्दे पे बोलेंगे, जो दबे कुचले बिछड़े है सबके मुद्दे पे बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं। मुसलमान अगर कुचला जाएगा तो मुसलमान के बारे में बोलेंगे, अगर दलित कुचला जाएगा तो उनके बारे में बोलेंगे, जितने भी माइनॉरिटी में है सबके बारे में बोलेंगे। मेजॉरिटी भाई का सपोर्ट हम लोगों को मिलता है, इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। आपका नेता दानिश अजीज का कहना है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलकर जनता को लूट रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता दानिश अजीज साहब जो ये बात को बोले हैं, पूरी जिम्मेदारी से अपना बोले हैं, और इसका देखा भी जा रहा है कि वो लोग किस तरह से लूट मचाए हुए हैं। बीजेपी एक केंद्र का तरफ से लूट रहे हैं और टीएमसी जो है राज्य में लूट रहे हैं। और आने वाला टाइम हमको जो लगता है, जो पॉलिटिकल जो चल रहा है मसला, उस पर डर लगता है कि आने वाला टाइम में जो दिल्ली का हालत है उसी हालत पे कलकत्ता चले जाएगा।
तो जिस तरह से लूट मार मचाए हुए अभी से है तो आगे भी लूट मार मचेगा। अदानी साजी साहब बोले हैं तो ज़रूर अपने ज़िम्मेदारी से बोले, और उनके पास कुछ सबूत है तभी बोले हैं, वो ऐसे नहीं बोले हैं। और ये लोग सही में लूट मार कर रहे हैं। हम लोग एक लोकल पब्लिक है, ठीक है, हम लोग आज मीम को सपोर्ट करते हुए हम लोग को क्या ज़रूरत है मीम को सपोर्ट करें। अगर ममता बनर्जी सही काम करती या बीजेपी का सही आइडियोलॉजी है तो फिर हम लोगों को मीम का ज़रूरत नहीं पड़ता। ज़रूर ना ज़रूर आप लोग मीडिया के जो है आप लोग देखिए, आप लोग छानबीन रखिए, हम लोग हर करीब हम लोग अंदर तक नहीं जा सकते, आप लोग हर जगह जा सकते हैं, आप लोगों का हर तरह से आप लोग फ्री है, ठीक है। और दानिश सही साहब बहुत बिल्कुल सही बात बोले, और ये बात पे हम लोग पूरे मीम के टीम जो है हमारे हावड़ा विधानसभा के सभी इस बात पे सहमत है और उनका साथ है। जब ममता बनर्जी मुसलमान को लेकर चल रही है तो यहाँ मीम की क्या ज़रूरत है? ममता बनर्जी मुसलमान को लेकर चल रही है, वो कितना दूर तक चलेंगी वो तो वक्त बताएगा ना। और मीम का ज़रूरत जब पड़ेगा, वो मीम जब फील्ड में जब आ ही चुका है तो ज़रूरत है तभी लाया गया मीम को, और ज़रूरत नहीं रहती तो मीम को यहाँ ज़रूरत आना ही नहीं पड़ता। मीम तो अभी कल या परसों तो नहीं आई है, मीम तो आज 2014 से पहले से यहाँ पे काम कर रही है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था पिछला, तो वहाँ पे कैंडिडेट भी दिया गया है, तो मीम का ज़रूरत है बंगाल में, ख़ास करके मीम का ज़रूरत है, इसलिए कि मुसलमान आज नहीं तो कल कुचला जाएगा बंगाल में भी, जिस तरह से यूपी में कुचला जा रहा है, जिस तरह से राजस्थान में कुचला जा रहा है, हर जगह कुचला जा रहा है मुसलमान। एक न एक दिन मुसलमान का यहाँ भी बुरा हाल होने वाला है, उसके लिए एक जो ऑप्शन है वो मीम ही है, क्योंकि बीजेपी का कोई अगर सामना कर सकता है तो वह एकमात्र वही की पार्टी है MIM, असदुद्दीन ओवैसी। आप देख लीजिए 500 कुछ MPs है पार्लियामेंट में, कितने लोग हैं जो मुसलमान का नाम उठाते हैं या बात उठाते हैं? हमारे MPs उठाते हैं, 2 MPs है, लेकिन दोनों MPs का बस और कुछ काम नहीं है, बस मुसलमान का हर एक मुद्दे पे बात करना है और हर कमज़ोर का बात उठाना है पार्लियामेंट में। और आने वाला टाइम में आप लोग खुद ही कवर कीजिएगा कि किस तरह से कल हो सकता है मेरी भी लिंचिंग हो जाए बंगाल में, जिस तरह से नासिर जुनैद को जला के मार दिया गया, क्या हुआ उनका, कोई रिपोर्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ, समझ में नहीं आता, हम लोग राजस्थान में रहते नहीं हैं, लेकिन जब इस तरह से अगर कुछ सुनते हैं खबर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो हम लोगों के अंदर भी डर महसूस होता है, हम लोग भी डर डर के रह रहे हैं। और ये डर किसका है? ये डर दिखाने का काम कौन कर रहा है? ये डर दिखाने का काम कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग भी कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बीजेपी कितना ख़तरनाक है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी, मौत है, आनी है। अगर बीजेपी हमारी मौत है तो हम मौत को कबूल करते हैं, और अल्लाह के तरफ से है तो और भी बेहद हम लोग कबूल करेंगे। हम लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, और ममता बनर्जी अगर साथ दे रही है तो खुल के साथ दे, वरना इस तरह से गंदा राजनीति में मुसलमान का सिर्फ वोट के लिए आप कुछ ना करें। ममता बनर्जी से यही हम लोगों का अनुरोध है, हमारे बहुत माननीय हैं, हम भी बहुत एक टाइम पे ममता बनर्जी का फुल टू सपोर्टर थे, बहुत अच्छा ममता बनर्जी हमें भी लगती थी, लेकिन इधर कुछ सालों से उनका काम को देखते हुए बहुत ही तकलीफ़ होता है कि ममता बनर्जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से झमेला हुआ था उस वक्त नंदीग्राम में, आप लोग मीडिया में जाके देख सकते हैं, विकिपीडिया उठा के देख सकते हैं कि उन्होंने खुद बैरिस्टर साहब को बुलाया नंदीग्राम में। आज वो मीडिया में जाके बोल रही है कौन है वो, आज वो मीडिया में बोल रही है कौन है वो, तो वो कौन है उस वक्त आपको नहीं समझ में आया जिस टाइम आप वो बाइक में बैठा के आप लेके गए थे नंदीग्राम में उनको, क्योंकि आपको एक चेहरा दिखाना था मुसलमान का कि देखो आप लोग के लिए आए हैं। और आज वो कौन है लग रहा है? वो वही है जो नंदीग्राम में उस वक्त खड़े थे, वो वही है अब जो खड़े होंगे इंशाल्लाह, और उनका साथ उनका हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। अपने राजस्थान के बारे में कहा है, हाल ही में राजस्थान में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो क्या लगता है MIM खाता खोल पाएंगे वहाँ पर? इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर खुलेगा खाता, अल्लाह चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता है यार। हमारे बैरिस्टर साहब का जो मेहनत है वो अल्लाह को कबूल काबिल है, और अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से नवाज रहे हैं, तो इंशाल्लाह राजस्थान के भी कुछ सीटों से नवाजेंगे, और उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के नवाजेंगे अल्लाह ताला उन्हें, क्योंकि उनका ईमान उनका अकीदा जो है बहुत अच्छा है मुसलमान के लिए और माइनॉरिटी के लिए, वो बहुत मेहनत करने वाले हैं। आने वाले टाइम में राजस्थान वालों को समझना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अभी हाल ही आप देख चुके हैं जुनेद और नासिर का मामला, आप उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना एक आवाज़ और अपना एक ताकत, अपना एक प्लेटफॉर्म को तैयार करना होगा उन लोगों को। हम लोग बंगाल से यही दुआ करेंगे, बंगाल के लोग हैं हम लोग, बंगाल के मुसलमान यही दुआ करेंगे राजस्थान के मुसलमान को अल्लाह ताला हिदायत दे और वो सच्चे और हक पसंद लोग का साथ दे, और जो माइनॉरिटी के काम का आते हैं उनका साथ दे।
और ये जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ये कोई अपना घर का कोई कानून लेके नहीं चले हैं कोई भी शहर में या कोई राज्य में, वो वही कानून को लेके आए हुए हैं जो भीमराव अंबेडकर साहब लेके आए हैं, जो भीमराव अंबेडकर साहब हम लोगों को दिए हैं। तो ये तो कोई अपना कानून नहीं लागू कर देंगे अगर उनको कोई सत्ता दे देता है तो, या कोई उनको सीट मिल जाता है MLA या MPs का। तो मुसलमान को समझना चाहिए कि राजस्थान के हो या कोई भी राज्य के मुसलमान हो या माइनॉरिटी हो, अभी के टाइम में आँखों को खोल ले, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये दौर बहुत ही ख़तरनाक दौर चल रहा है। इसके बाद तो क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अगर जिसका ईमान है वही सच्चा है, जिसका ईमान नहीं वो मेरे नज़र में कोई कुछ नहीं मायने रखता है। औरंगाबाद का नाम चेंज हो रहा है तो इस पर सिर्फ MIM MP इम्तियाज जलाली बात कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इम्तियाज जलील साहब प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ना। औरंगाबाद का जो नाम रखा गया था, अभी जो फ़िलहाल जो वहाँ के जो सरकार में जो बैठे हुए हैं वहाँ, तो वो लोग अदला बदली चल रहा है वहाँ पे, वहाँ कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, हैं औरंगाबाद का नाम बदल देंगे तो हमें हिंदू महासम्राट कहा जाएगा। तो औरंगाबाद नाम को बदल देने के बाद अगर औरंगाबाद का फ्यूचर चेंज हो जाता है या उस पे जो बदलाव करने पे जो खर्च हो रहा है वो अपने जेब से कर रहे हैं तो बदले, वो तो हमारे आवाम के पैसे लूट रहे हैं, इसके ज़रिए वो करोड़ों रुपए फंड उठाएंगे, टैक्स उठाएंगे और एक नाम बदलेंगे, और एक नाम बदलने में जो खर्च आता है वो जनता जानती है कितना खर्च हो सकता है उसके पीछे में, और बदलने की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। औरंगाबाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम है, उसके पीछे या उसके आगे कोई अलग सा नाम अर्फ लगा सकते हैं तो लगाए, लेकिन नाम बदलना ये बहुत ही मतलब गलत डिसीजन है वहाँ के सरकार का। और इम्तियाज जलील साहब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साथ यहाँ से बंगाल के आवाम भी देंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, उनका मेहनत कामयाब रंग दिखला रहा है उनका मेहनत जो है, और वो कामयाब होंगे, नाम नहीं बदला जाएगा इंशाल्लाह। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को जिला लेवल पर हैंडल करने के लिए बोला है, आप उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए मुकाबला यहाँ कोई लड़ाई नहीं चल रहा, जो मुकाबला करना है अच्छा है, वो लोग अपने एक पार्टी का काम कर रहे हैं, इतने साल जो उन लोगों ने किया है उसका एक मुआयना कर रहे हैं, करे उससे हमारे MIM पार्टी से कोई उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, वो अपना एक मुआयना कर रहे, एक सर्चिंग टीम बनाए हुए सर्च भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ ऐसा नहीं है कि हमारे घर भी आए थे लोग, हमारे घर में भी सब आके पूछताछ करके गए हैं, ठीक है वो सरकार का काम है, वो सरकार को करना ही चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, वो बैठ के रहेंगे, सिर्फ वोट का टाइम आएगा बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा के मुसलमानों का वोट लेंगे, माइनॉरिटी का वोट लेंगे और सत्ता हासिल करेंगे, मेहनत तो करना होगा ना। चलिए 5 साल में 4 साल बैठ के थे, 1 साल मेहनत करके देखिए कुछ अगर बदल और मिल सकता है उन लोगों को तो बदल लीजिए, नहीं तो ऐसा तो मुश्किल है। अब जो है मुश्किल है इसलिए कि हर पार्टी एक्टिव हो चुकी है बंगाल में, यहाँ पे अखिलेश को भी देखा जा रहा है, अखिलेश जो है अपने तो वहाँ पे UP में तो बचा नहीं पाए, अब यहाँ बंगाल के उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, और इसमें जो है B टीम या C टीम या कौन टीम का काम करेंगे ये तो ममता बनर्जी साहब जो माननीय हमारे है वही आके मीडिया के तौर पे बताएंगे कि उनको कौन टीम के तहत अपने साथ में आप रखी हुई है या बुलाए हैं क्या की है, क्योंकि आपका जो लोकल में जो काम चल रहा है माशाल्लाह से वो काम हर पार्टी को करना चाहिए, घर घर जाके इंडोर जाके हर पार्टी को जाना चाहिए, आवाम के साथ मिलना चाहिए, क्या परेशानी है दुख है ये तो हर पार्टी का काम है करना चाहिए।